आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आस्क योर क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन 478 की। आज का प्रश्न पूछा गया है राहुल महाजन जी के द्वारा। इनका प्रश्न है, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन रिलायंस 1945 प्राइस पर। तो राहुल जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। रिलायंस की कुछ तीन मुख्य खबरें की बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ में आपके स्पेसिफिक क्वेरी का आंसर भी करेंगे कि क्या करना चाहिए रिलायंस के शेयर का 1940 के आसपास रेट पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए चलकर शुरुआत करते हैं रिलायंस के बारे में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हम आपको देंगे रिलायंस के लिए, रिलायंस के जो इंफ्राटेल, आपको पता ही होगा आरकॉम के अंदर रिलायंस इंफ्राटेल एक कंपनी है, जो उसके एसेट्स को एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया है, जियो अब उसके एसेट खरीदेगा 4400 करोड़ में। यह डील हो जाएगी एनसीएलटी के थ्रू, तो यह बहुत अच्छी खबर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है यहां पर कस्टमर्स को ऐड करने के लिए। इसके चलते हुए रिलायंस जियो में नए कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव होगा। अब अगर मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए तो 1.3 मिलियन करोड़ की कंपनी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी हैवी वेट कंपनी मानी जाती है इंडस्ट्री के रेफरेंस में। यहां पर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है यह। सेल्स की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी 10,000 करोड़ पे वापस आ गई है, और फिर से इनकी जो सेल्स है वो अभी भी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, 136 करोड़ थी मार्च के महीने में, अभी यहां पर बढ़कर 116 करोड़ ही हुई है। वैल्यूएशन की दृष्टि से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक फेयर वैल्यू है जहां से इसने बाउंस बैक किया है। ये 1900 का लेवल बहुत सपोर्ट लेवल है अभी के लिए, अगर ये टूटता है तो फिर नीचे का सपोर्ट बनेगा, पर अभी यहां से इसने बहुत अच्छे लेवल से बाउंस बैक किया। कैसे कह रहे हैं, आइए चलकर जरा चार्ट पर समझते हैं इसको। तो देखिए, जब ये चार्ट पर चल रहा था यहां पर, तो ये गिरना शुरू हुआ, और इसने गिरने के बाद जो ये यहां पर बना है लेवल 1800 के आसपास जो लेवल बना है, वहां से इसने बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया है। तो ये एक अच्छा लेवल है, जिसके लेवल से 1850 से लेकर 1900 का बीच का जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। डिमांड आ रही है यहां पर, प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आप अगर खरीदना चाहें तो इसको स्टैगर्ड मैनर में 1900 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। पहला लॉट आप 1900 के आसपास इसको खरीद सकते हैं, कुछ क्वांटिटी चाहे तो करंट मार्केट पे खरीद लीजिए, मेन क्वांटिटी आपको 1900 रुपए पे खरीदनी है। उसके बाद स्टैगर्ड मैनर में और भी लेवल बताएंगे, वो आगे चलकर बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेड देखना चाहता है तो 1900 एक बहुत बढ़िया स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां से इसकी बाउंस बैक की बहुत अच्छी उम्मीद है। अब अगर आरएसआई की पैरामीटर दिखा दें तो आरएसआई भी 43 है, ये भी बोल रहा है कि यहां से ज्यादा नीचे गिरने की उम्मीद नहीं है इसके बेसिस पर देखा जाए तो। और साथ ही साथ में अगर बुलिंजर ब्रांड को देखें तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, बुलिंजर ब्रांड श्रिंक हो रहा है, और यहां से जैसे ही इसने 1980 का लेवल क्रॉस करेगा तो जो पहला टारगेट रहेगा 2060। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो हफ्ते दो हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। यहां पर बुलिंजर ब्रांड क्लियरली बोल रहा है कि आगे आने वाला समय इसके लिए बुलिश रहेगा। मैकडी ने ऑलरेडी पहले ही इसको बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है, और बाय सिग्नल का मोमेंटम बढ़ रहा है यहां से, तो ये बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल पर बाउंस हुआ है। अब जरा सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि इनका पास डेप्ट है तो इसकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा है। अब उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, एक ऑप्शन ये होता है कि आप कहीं से जहां से कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है वहां से अपने लोन ले लीजिए और हैवी इंटरेस्ट लोन को बंद कर दीजिए। तो वही ये कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओवरसीज लोन प्रोवाइड करेंगे। अब ओवरसीज में होता क्या है, देखिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट में यहां इंडिया में पैसे डालते हैं तो आपको 6% तक का रिटर्न मिल जाता है अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाहर कंट्रीज में क्या होता है, मैक्सिमम 1% का रिटर्न मिलता है, तो इसी हिसाब से वहां पर लोन भी बहुत सस्ता मिलता है रिलेटिवली देखा जाए तो। ये सब के चलते हुए ओवरसीज से यूएस, यूरोप, यूके से कंपनीज लोन ले लेती हैं। ये टारगेट कर रहे हैं 1.5 बिलियन की लोन लेने के लिए यूएस डॉलर्स की, जो कि एक बहुत अच्छी खबर होगी रिलायंस के लिए। इससे उनकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट पर ये कॉस्ट कम हो जानी चाहिए। रिस्क है डेफिनेटली इसमें, करेंसी फ्लक्चुएशन अगर अगेंस्ट चली जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत का काम बन सकता है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 50% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआई 25% होल्डिंग रखते हैं इसमें, अदर्स 4% और अदर्स जीआई की बात करें 4%, आप और हम जैसे लोग 8% के आसपास होल्डिंग रखते हैं। अब चलकर तीसरी और मेन इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। सीसीआई ने जैसा आपको पता ही है फ्यूचर ग्रुप का अप्रूवल दे दिया है। तो फ्यूचर ग्रुप में क्या है कि ये लोग फ्यूचर रिटेल के साथ में मर्ज होकर सारा का सारा जो एफबीबी का ब्रांड है और बाकी सारी की सारी कंपनीज है उन सबको अंडर रिलायंस रिटेल के थ्रू कंट्रोल करेंगे, और वहां से जो एफबीबी ब्रांड के स्टोर्स हैं वो और रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स मिलकर अपनी जो
होल्डिंग उनकी नहीं बन पा रही थी कंज्यूमर सेगमेंट में, स्पेशली एफएमसीजी में, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहां पर। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जीत अगर आपने देखें तो ऑलरेडी रिलायंस आरआरबीएल ने 47,000 करोड़ का स्टेक सेल कर दिया है, रिलायंस ने एक्वायर किया था केवल 24,000 करोड़ में। तो ये देखिए, ये अच्छी एक स्ट्रेटजी होती है बिजनेसमैन की, 24,000 करोड़ खर्च किए और 47,000 करोड़ ऑलरेडी मिल गए हैं खर्च होने से पहले ही। तो ये बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है अगर आप बात करें मुकेश अंबानी जी की। देखिए ये डील जो है रिलायंस डील को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, किस तरह से कह रहे हैं समझिए इस बात को। जो सिनर्जी बनेगी और जो उनका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क बनेगा इनके लिए रिलायंस के लिए, उससे ये डीप डिस्काउंट कर सकते हैं अपने रिलायंस जियोमार्ट ऐप पर, जिसके चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। अब देखिए दोनों कंपनी को फायदा होगा, इसके फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट रिलायंस के नेटवर्क पर बिकेंगे, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है एफएमसीजी वगैरह उन पर बिकेंगे, और साथ ही साथ में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है जियोमार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी खबर है और साथ ही साथ में रिलायंस ने जिवामी का डील कंफर्म कर लिया है, तो इस सब के चलते हुए ये बहुत बढ़िया डील बन जाएगी इनकी। जिवामी और एफबीबी को मर्ज करके ये लोग एक ब्रांडेड स्टोर्स की तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, जहां पर हाई एंड कस्टमर्स को सेल किया जाएगा। तो रिलायंस बहुत ही अच्छी तरह से एग्रेसिवली रिटेल सेगमेंट में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, हमारे हिसाब से अंडरवैल्यू रेंज है, कभी भी अगर रिलायंस शेयर के भाव मिलता है तो आप लपक के कुछ मत सोचिएगा, खरीद लीजिएगा उस भाव में। अगर कभी भी 1200 के नीचे मिलता है तो बहुत बढ़िया लेवल रहेगा। फेयर वैल्यू रेंज है जहां पर हमारी उम्मीद है इस क्वार्टर में ये आ सकता है थोड़ा ट्रेड करने के लिए, 1700 से 1300 के बीच की रेंज है फेयर वैल्यू रेंज है। ओवर वैल्यू 1900 से के ऊपर थोड़ी सी ओवर वैल्यू है, अभी ये ओवर रेंज में है इस क्वार्टर के बेसिस पर। उसका रीजन यह है क्योंकि डील के चलते हुए इनके काफी सारे फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखा हुआ है मार्केट में और ये कंटिन्यूअसली ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से थोड़े टाइम ये ओवर वैल्यू जोन में अभी है हमारे हिसाब से। अगर कंक्लूजन की बात की जाए, लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज कम से कम 5% मैक्सिमम 10% का होल्डिंग होना चाहिए। राइट लेवल पर बाय कीजिएगा लॉन्ग टर्म के दृष्टि से, अभी का लेवल थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इनको राइट रेंज माने दीजिए तो वहां पे खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। मुकेश अंबानी की हेल्थ अपडेट के बारे में बता दें, वीकेंड पर फ्राइडे को इनफैक्ट काफी ट्रेडिंग सर्कल में रूमर चल रही थी कि मुकेश अंबानी की हेल्थ फिर से डिटोरेट हो रही है, और यहां से अभी कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं आया है किसी भी तरह से रिलायंस ग्रुप के मेंबर्स ने कि उनकी हालत में क्या पोजिशन है। पर ओवरऑल अगर मार्केट में कुछ होता है इस तरह की खबर कंफर्मेशन होती है तो ये बहुत ही नेगेटिव व्यू रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इन पर्टिकुलर और स्टॉक मार्केट के लिए इन जनरल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन प्लीज जरूर दबाना। हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म का 3 साल का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5,000 रुपए का है। तो राहुल जी, आई होप अगर आप केवल शॉर्ट टर्म हफ्ते दो हफ्ते की ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो 1900 का लेवल खरीद सकते हैं और आपको 2050 का लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसकी फेयर वैल्यू में आपको खरीदने की सलाह दी जाएगी 5% से 10% का पोर्टफोलियो। तो ये हमारे हिसाब से इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव इंटरडे ट्रेड करते हैं, वो अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो यूज कर सकते हैं, स्पेशली वर्किंग क्लास पीपल। हम लोगों को आप एग्जाम्पल बताते हैं, जो वन ऑफ अवर न्यू कस्टमर जो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन स्टॉक मार्केट में न्यू है, उन्होंने हमारे ट्रेडिंग के हेल्प की माध्यम से फ्राइडे के दिन 12,700 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज अगर आप हमारे पेड सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। 4 वीडियो प्रस्तुत है, चाहे तो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।